शहर से प्रतिदिन कूड़ा एकत्र कर आगे की प्रक्रिया के लिए रवाना किया जाता है। अब वार्डो में ही कचरा संग्रहण और प्रोसेसिंग के लिए आत्मनिर्भर वार्ड अभियान शुरू किया जा रहा है। अतिरिक्त आयुक्त आचल गोयल ने आत्मनिर्भर वार्ड के बारे में जानकारी देते हुए संकेत दिया कि अब घरों से ही कूड़ा कचरा छांटने पर फोकस किया जा रहा है। सभी 10 जोन से 10 वार्डों को स्वतंत्र वार्ड के रूप में चुना गया है। उन्होंने बताया कि इन वार्डों में ही कचरे का निष्पादन किया जाएगा। पूर्व में उद्यानों में गीला कचरे की प्रक्रिया की जाती थी। इस संबंध में नए संयंत्र स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि इसे फिर से शुरू किया जाएगा और गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाएगा। पर परिषद के दौरान घन कचरा व्यवस्थापन विभाग के प्रमुख डॉक्टर गजेंद्र महडे उपस्थित थे। आपल्याकडे आपण आयसी एजन्सी नियुक्त केलेली आहे, जे आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये अवेअरनेस कॅम्पेन्स करण्यामध्ये आपल्याला मदत करतात। त्यासोबत बरेच काही असे गुड प्रॅक्टिसेस आहे ज्याच्यातून आपण शिकू शकतो। त्यामध्ये एक अशी आहे की आपण गाड्या मॅपिंग केलेली आहे, रूट्सवर आपल्याला डिफाईन केलेलं आहे। तर रूट्समध्ये ज्या ज्या प्रकारे त्यांनी कोणत्या ऑर्डरमध्ये ती गाडीने गेलं पाहिजे, तसे आपण इंदौरचा एक मॉडेल पाहून आपल्याकडे सुद्धा राबवत आहोत। आणि मला नक्की अपेक्षा आहे की याच्यामधून आपल्याला आउटपुट चांगला मिळेल आणि 100% कव्हरेज आपण दररोज इन्शॉर्ट करू शकतो। कॅमेरा पर्सन नयन के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।